एक बार में कोई अपरकट नहीं सीखता, ठीक है। अपरकट बहुत ही बेहतरीन पंच होता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अपरकट जो है ना, मैं यहाँ से शोल्डर से खुलना चाहिए, यहाँ झटका नहीं पड़ना चाहिए, तो शोल्डर से खुलना चाहिए। हाँ, ये ना शोल्डर। मैं आपका दोस्त शिवम बॉक्सर आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि बॉक्सिंग में अपर कट पंच कैसे चलता है और कहाँ चलता है, ठीक है। मैं आपको इसी का बेसिक आज बताऊंगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। कि अपर कट एक सॉलिड पंच होता है, जिससे आप अपोनेंट को नॉकआउट मार सकते हो, ये इसे नॉकआउट पंच भी बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत कम ही यूज होता है मैच में, लेकिन जब भी होता है परफेक्ट होता है, ठीक है। ये अपर कट है, ठीक है। आप लोग को मैं इसी का बेसिक आज बताऊंगा कि अपर कट कैसे मारना है स्टार्टिंग से, कि बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, पंच कैसे खुलना चाहिए, कहाँ खुलना चाहिए, ठीक है। पैर का मूवमेंट क्या होना चाहिए, सब मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। बस वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। 1K का सफ़र तो पूरा हो गया है, बस 10K का आप सफ़र रहेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरा वीडियो इसी तरह आता रहेगा, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा अपर कट, ठीक है। पहले तो आराम से गार्ड पोजीशन, ठीक है, स्टांच पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, स्टांच पोजीशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, अपर कट कैसे चलता है मैं आपको आज पहले बता देता हूँ चला, ठीक है, ठीक है। अपर कट ये होता है, ठीक है, ये अपर कट होता है, ठीक है, जो कि नीचे से चलता है, ठीक है। नीचे से कभी पेट पे या फेस पे चलता है, ठीक है, पेट बस दो ही जगह चलता है अपर कट, ठीक है, और कहीं नहीं, ठीक है। एक अपर कट फेस, एक पेट चलता है कैसे, ठीक है। यहाँ क्या करना है, अगर ये देखिए मेरा हाथ राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड आगे है, ठीक है। पहले आगे वाला हाथ से कैसे चलेगा अपर कट, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा है ना कैसे जंप करना है, ठीक है, गार्ड लेके, ठीक है, गार्ड लिए जंप कर रहे यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा बॉडी को डाउन करना है, थोड़ा सा बॉडी को डाउन किए, यहाँ से पैंस को यहाँ से नीचे किए तो थोड़ा सा खोल दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये पेट पर खुल रहा है, ठीक है, ये सिंपली पेट पर खुल रहा है, यहाँ से जंप कर रहे ठीक है। ये तो हुआ लेफ्ट का, ठीक है, अब राइट का मैं बताऊंगा, पेट पे ही भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करना, बॉडी को थोड़ा सा घुमाना है, यहाँ से पैर को घुमाए, ठीक है, डाउन किए, यहाँ पट से खोल दिए, ठीक है। पहले पैर घुमाए, बॉडी घुमाए, बॉडी को डाउन, पेट पे खोल, ठीक है, सीधा पेट पे खुला, फिर यहाँ से गार्ड, ठीक है। अब दोनों हाथ कैसे चलाएंगे, यहाँ से इसमें भी वही करना, पैर घूमेगा हल्का सा, पैर घूमेगा, बॉडी डाउन, पंच खुलेगा, देखो, वन टू, ठीक है। ये तो पेट पे हुआ अपरकट, ठीक है, ये बहुत सॉलिड पंच होता है। अब मैं बताऊंगा आपको फेस पे अपरकट कैसे चलेगा, ठीक है, इसमें भी सेम करना, ठीक है। इसमें भी पैर थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा बॉडी को टर्न होगा, ठीक है, बॉडी टर्न होने के बाद थोड़ा सा बॉडी डाउन होगा, तभी पंच चलेगा, ठीक है। यहाँ से फेस पे बस, यहाँ से अगर सिंपली उठा देना, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या होना, ये इससे ये भाग से यहाँ या नाक पे लगना चाहिए, तब सॉलिड अपर कट लगता है, ठीक है। यहाँ से डाउन घूम गए, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ये अपर कट है। मैं आपको हर पंच का विवेचक बता रहा हूँ, एक एक करके आपको अच्छा भी लग रहा होगा सीखने में। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये अपर कट है, ठीक है। अपर कट कुछ लोग क्या करते हैं, अपर कट में ये चलाते, ये अपर कट गलत है, ठीक है, ये अपर कट गलत है। आपको इसमें ना तो आपका डिफेंस है, ना ही अपोनेंट को ये पंच लगे। क्या करते हैं, ये देखिए, पहले कुछ लोग क्या करते हैं, अपर कट ये उठा देते हैं, यहाँ से पूरा नीचे से उठा देते, ये पहले तो नीचे जाने में टाइम ले रहा है, ठीक है, आपका स्टेमिना बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और स्पीड भी नहीं, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से उठेगा, इतना देर में अपोनेंट समझ जाएगा कि आप अपर कट मारे हो, वो आपका पंच मिस कर देगा या ब्लॉक कर लेगा, ठीक है, ठीक है। नीचे से नहीं मारना अपर कट, कुछ लोग ये करते हैं, ये यहाँ से ये मारते हैं, ये अपर कट गलत है, ठीक है। अपर कट मारना कैसे है, यहाँ से पट, यहीं से टाइमिंग नहीं लेना है, बस यहाँ से खोल दी, टाइमिंग नहीं लेना है, टाइमिंग लगेगा अगर तो अपोनेंट समझ जाएगा, ठीक है, बस पट से मारना, यही मानना अपरकट। मेरे ख्याल से वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा, ठीक है, आप लोग अपरकट अच्छा से सीख गए होंगे,
इसका प्रैक्टिस आप कीजिए। एक बार में कोई अपरकट नहीं सीखता, ठीक है। अपरकट बहुत ही बेहतरीन पंच होता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अपरकट जो है ना, यहाँ से शोल्डर से खुलना चाहिए, यहाँ झटका नहीं पड़ना चाहिए, एकदम शोल्डर से खुलना चाहिए। ये ना शोल्डर से पावर आना चाहिए, पूरा फुल पावर है यहाँ से, एकदम बॉडी से लेके शोल्डर तक पावर आना चाहिए, यहाँ झटका पड़ना चाहिए, तभी आपका अपरकट सॉलिड है, ठीक है। तभी आपका अपरकट एकदम सॉलिड लगेगा अपोनेंट को, और अपोनेंट नॉकआउट होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आपका। इसी तरह वीडियो मेरा आता रहेगा, आप लोग वीडियो को देखिए और सीखिए बॉक्सिंग के बारे में। और अगर आपको बॉक्सिंग में और कुछ सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो कि मुझे बॉक्सिंग में ये बताइए, इस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं है, ये बताइए, फोटो बताइए, मैं सब चीज़ का आपको बेसिक बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो भी बॉक्सिंग करते हैं, या भी जो भी आप अपना घर में अपना फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसको आप मेरा चैनल का लिंक शेयर कीजिए, वो लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।